दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जुटन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। दोस्तों एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ, अब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। दोस्तों असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। दोस्तों उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिव जी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। दोस्तों भगवान शिव वहां सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। दोस्तों इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपका पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। दोस्तों शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहां एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरा साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थे। दोस्तों भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने पूजा की है, तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आप असत्य कह रहे हैं, गाय ने तो गवाही नहीं दी। दोस्तों भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तो दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मोख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। दोस्तों इस तरह से झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनके संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जो है शिव शंकर लिखना मत भूलना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।